सो गाइस, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बताएंगे अगर आपका फैन पे में अकाउंट है तो कैसे उसमें अपना जो बैलेंस ऐड कर सकते हैं, ताकि अपने पैसों को ट्रांसफर कर सकते हैं या शॉपिंग कर सकते हैं। चलिए आज हम आपको वीडियो में बताएंगे कि कैसे अपने फैन पे में अपना जो है बैलेंस ऐड कर सकते हैं। आज हम आपको 2 मेथड बताएंगे जिसके सहायता से आप अपने फैन पे में अकाउंट में बैलेंस ऐड कर सकते हैं। एक तो हम बताएंगे कार्ड से और दूसरा बताएंगे नेट बैंकिंग से। मेरा नाम है गुलशन, आप देख रहे हैं बार्मा टेक चैनल, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह वीडियो हमसे मिलते रहे। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। अपने फैन पे एप्लीकेशन ओपन हो जाने के बाद देखिए आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो अभी दिखा रहा है यहाँ पर एड मनी, इस पर आपको क्लिक करना होगा। एड मनी पे क्लिक करने के बाद देखिए आपको फर्स्ट में आपको कितना पैसा उसमें ऐड करना है। तो यहाँ पर हम 1 रुपया जो है अभी ऐड डालेंगे आपके सामने लीव। यहाँ से आपको ओके कर दें। व्हाट दिस इज हैपन, आप क्या के लिए आपने जो भी पैसा डालना चाहते थे, यहाँ पर हम हैप्पी लिख देते हैं, हैप्पी टुडे, और कुछ सिंबल देना होता है आप दे सकते हैं। इसके बाद आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको देखिए एडिंग फ्रॉम, आपको यहाँ पर टीपीए का तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। पर्सनल अकाउंट में तो आपको 0 रुपया है, इस पर तो ऐड नहीं हो सकता है। आपको नेक्स्ट मिल जाता है UPI और कार्ड और नेट बैंकिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद इस पर आप एड मनी पे क्लिक कर दीजिएगा। एड मनी पे क्लिक करने के बाद आपको जो कि ओथेंटिकेशन के अनुसार आपको अपना जो इथी देना पड़ता है, जो आपका मोबाइल का पैटर्न है उसके अनुसार आपको या फिंगरप्रिंट देना पड़ता है। यहाँ पर आपने ओथेंटिकेशन हो जाने के बाद देखिए आपको अपना जो ओथेंटिकेशन करने के बाद आपको यहाँ डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड का जो देखिए आपका डेबिट कार्ड में जो डेबिट कार्ड के यहाँ पर अपना नंबर डाल सकते हैं। डेबिट कार्ड का जो जैसे जैसे हम अपना जो फर्स्ट में लिखा रहता है यहाँ पर अपना नंबर डाल लेंगे। इसके बाद अपना कार्ड नेम, जिसके नाम से कार्ड होगा यहाँ पर आपको कार्ड नंबर डाल देना होगा। इसके बाद फिर आपको यहाँ पर CVV नंबर जो कार्ड के पीछे की तरफ लिखा होता है वो CVV नंबर होता है। इसके बाद आपको मंथली डालना होगा जिसे वैलिड होगा, तो हम यहाँ पर वैलिड अपना डाल दे रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपका जो है ऐड बैलेंस में जो कि हो जाएगा। देखिए ऐड करने के बाद प्रोसेसिंग हो रहा है। देखिए तो आप इस तरह से कार्ड से है जो अपना पैसा फैन पे में अकाउंट में जोड़ सकते हैं। और दूसरा मेथड की बात करें तो उसी पे फिर से आप 1 रुपया लिख करने के बाद आपको नोटिफिकेशन फिल करना होगा। इस तरह से पहले तो आप कार्ड से किए हैं, अब हम नेट बैंकिंग से आपको करके बताएंगे। देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे फैसिलिटी जो मिल जा रहा है। देखिए यहाँ पर पेटीएम का मिल जा रहा है और एक्सिस बैंक का, HDFC और SBI का। यहाँ पर देखिए देखने की बात है कि ये नेट बैंकिंग है और ये UPI है, तो हम आपको बता दें कि ये डेबिट कार्ड हो रहा था। हम तो आपको आपको डेबिट कार्ड से कर दिए हैं, UPI से आप कर भी सकते हैं, यहाँ पर ऐड UPI कर सकते हैं। इसके बाद हम चलिए आपको नेट बैंकिंग से बताएंगे तो कैसे किया जाता है। यहाँ पर जिस किसी भी बैंक का होगा आपका नेट बैंकिंग पर क्लिक करें, तो मेरे पास अभी स्टेट बैंक है, इसको हम क्लिक करेंगे। आपको कितना पे करना है तो आपको दिखा रहे हैं 1 रुपीज़, तो यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा। ऐड करने के बाद देखिए आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस तरह से जो है प्रोसेसिंग हुआ। देखिए फैन पे सॉल्यूशन पेइंग 1 आवर लोडिंग बैंक पेज, आपको यह बैंक पेज पर ले जा रहा है। देखिए इस तरह से आपका जो है जो लॉगिन पेज हो गया, यूनो के थ्रू जो अपना जो यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड डाल दीजिएगा, इसके बाद लॉगिन हो जाइएगा। देखिए हम जैसे हम आपको लॉगिन कर बताते हैं। देखिए जो हमारा SBI पेमेंट पे जो कि आ गए हैं, तो इसके बाद आपको यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपको इस तरह जो है कि होगा। इसके बाद आपको नीचे की तरफ जाएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहा है योर रेफरल नंबर जितना। देखिए कहने का मतलब आपको यहाँ पर यह भी दिखा रहा है कि आपको इतना जो है बैलेंस डालें, और पेमेंट आईडी यह है, और आपको रेफरेंस नंबर आपका ये मिल जा रहा है। और इतना ही नहीं, जो लास्ट में दिया है 1 रुपये जो इंग्लिश में लिखा है यहाँ पर आपको कंफर्म पर कर देना होगा। तो देखिए हम यहाँ पर कंफर्म करने के बाद देखिए, तो गाइज आप इस तरह से जो अपना फैन पे अकाउंट में बैलेंस जोड़ सकते हैं। हम आपको 2 मेथड बताए हैं, जो कोई मेथड आपको अच्छा लगा था प्लीज आप कमेंट में बताइएगा। हम 2 मेथड आपको बताए हैं कौन कौन से, तो आपको बताएं फर्स्ट मेथड जो डेबिट कार्ड से कैसे इसमें जो ऐड किया था, और दूसरा नेट बैंकिंग से। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे।